अब सृजन भी आ रहे हैं तो भैया सब जने आ गए हैं है ना आ रही हैं सबरे छोड़ के ना भाग जाए जी हैं साथी बन रहा है आज कैमरामैन संगम पर डिटेल में बन रहा है अभी मजा आएगा ना भिड़ो देखो कछु नारियां होते तक रही हैं कछु है ना ताक रही हैं अपन भी ताक है मतलब देखें चलो आओ क्या बात है जी को आए जी हम बता रहे हैं 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊं ये अपन को मंदिर के अंदर जॉन्स मतलब समाधि स्थल मिलो तो ऋषि को ना जी भी आए है ना जी 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 क्या रखा है बीच में जी अपन कह सकते हैं कि शेर मुख है अपने जो भी मतलब एक संग करत होंगे अब अपन को उतनी जानकारी नहीं है है ना और कछु गलत जानकारी अपन दे वो चाहत नहीं है हां सही बात बोली बात भाई हमारे यहां ऐसा ही होता है अच्छा गलत जानकारी नहीं देना चाहता क्या बात है अच्छे विचार रखने वाले मतलब वाह क्या एक्टिंग कर रहा है तक भाई आप कहाँ चलना चाहेंगे कहाँ पहुँचाना चाहेंगे केला आप कमिंग बर्थडे बॉय मेरा हाथ है तो भैया छोड़ो थोड़ी देर में तैसा निकाल है हम और हमें चिंता नहीं करो हम बचा लेंगे हम फोटो खींच रहे हो जा खड़े भैया सेलिब्रिटी हमारे घर के संग फोटो लो हो गई छोटा बच्चा समझ गया बड़े हो के अच्छे यूट्यूबर बनेंगे बिल्कुल फैन फॉलोइंग का बोला थी यार फैन फॉलोइंग को अब फैन फॉलोइंग को हमारे पंखा पंखा पालक जो फैन फॉलोइंग पालक वाह चलो आप थोड़ी बैठे हैं बैठी बैठो हीरा पे बैठे अपन अबे हमारे थोड़ी थक गए तो घूमा है ना और मस्ती मजाक करत करत सो अबे हमारे तरह छत्ता के नीचे बैठ गए हाँ छत्ता के नीचे भाई हमारे थोड़े बैठ गए हैंगे अब थोड़ी देर बाद निकल है मंदिर से छत्ता के ऊपर भगवान जी अरे कौन भोंक रहा है ये बदतमीज सोए थे बाहर गजानंद है हाथी सागर के इकलौते हाथी उनके दर्शन करवा है आपको सही कह रहे ना भैया तो अबे बने रहियो लोग भागियो बस ने है ना क्या कर रहे भगवान ने इतनी दी है कोशिश करेंगे कल ही सुबह से उठवा शुरू कर रहे उठ गए थे आज खड़ा तो उठ के कभी ना कभी तो कर रहे जी को आ रहे अरे राधा कृष्ण भगवान आ गए राधा कृष्ण भगवान आ गए राधा आओ अपन मंदिर चले आंटी को मूड में गल गई इसका टच किया उसको भगवान वहाँ पे हैं अभी हम उनके साथ सेल्फी लेंगे अगर किस्मत अच्छी रही तो भगवान के साथ सेल्फी देखिए अगर किस्मत अच्छी रही तो आ गए जो हमने भगवान के साथ सेल्फी तो ले ली एक बात समझ में नहीं आई भगवान अपने आप को चला रहे थे कलयुग भैया कलयुग कछु भी हो सकता है देखिए ये जो फल है अब वो अपन मारते हैं बिट्टू यादव को हाँ लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही ये फल तो ठीक है लेकिन इसके अंदर उंगली किसने करी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर तो भैया एक जो नजारो भी देख लो है ना हंसों को जोड़ा है ते पे है ना जा है ते को छोटो सो चौपड़ा बोल सकते भैया कुंड है देखो है ना मछलियाँ भी हैं कछुआ भी है वो देखो वो कैटफिश ऊपर दिख रही वो गई गई वो कछुआ देखो छोटा सा देखिए गौर से देखिए मछली की शक्ल थोड़ी सी कैटफिश कछुआ भैया जो है कछुआ
और अब एक मछलिया हाथी वो की सकल थोड़ी थोड़ी कटरीना कैप से मिल रही थी, अब जा नहीं पता बाहर कहाँ से आई। अरे वो कैट फिश है। अच्छा वो कैट फिश है, और इसीलिए विकी कौशल द्वारा एक मछली फंसा ली गई। दिस इज कटरीना कैप। वो छोटा बच्चा अपनी मम्मी को गन दिखा रहा था, अपनी मम्मी को बंदूक दिखा रहा था, मम्मी ने मार दो ये कुछ भी कुछ भी। चलें बाहर, चलो बाहर चलें। गजमनिया आप लोग कुछ ब्लॉग पहले देखते होंगे हमारे, ब्लॉग में एक हमारे अन्नू भैया आते थे, वो ये नहीं है, है ना, ये यहाँ के गजानन है, वो ये नहीं है, इनके दर्शन करो बात दूर से। जय हो। अरे कहाँ जा रहे भगवान जी, चलो टाटा। तो यहाँ पे सार्थक भैया ने केले ले लिए हैं भगवान जी के लिए, कुछ खिला। हाँ लो लो दो भगवान जी को दो भैया, ठीक है बंद नहीं है वो। हाँ वो दे खा लो अब, और कहा है खील रहे हैं वो केला, कहते हैं बात बस यार। धन्यवाद। ऐसा ही बनाओ। अन्नू भैया से हमारी रिक्वेस्ट है कि अपने भाई की इच्छा पूरी करें। छोटा भाई मेरी इच्छा पूरी करो। ये इन्होंने सब सबने अन्नू भाई बना दिया है गजानन को, जो कि बहुत सिमिलर मिलते हैं एक दूसरे से। नहीं नहीं ये हमारे अन्नू भाई तो नहीं है, लेकिन हम उनसे घर जाके पूछें कि कहीं उनके बिछड़े हुए भाई तो नहीं है। अपन निशाना लगाते हैं बिट्टू यादव के ऊपर। पड़ गया। तो भैया अब हमारे जा रहे हैं घरे, है ना, तो घर मिल रहा फिर आपको, और देख रहे हैं अब आगे का होत है वो। सो ऑलराइट गाइस, ये देखा आपने हमारे वृंदावन बाग वीडियो का सेकंड पार्ट, है ना, और मैं घर पर आ चुका था लेकिन मैं तब एंड नहीं कर पाया था, है ना, मैं भूल गया ज़रा, इसलिए अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था तब मैंने अपना ये जो आउट्रो है उसको लिया, है ना, और वीडियो एडिट पूरी हो चुकी है, बस मुझे ये क्लिप लगानी है, है ना। वीडियो में बहुत मज़ा आया, मुझे उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आया होगा। और अब मैं आपको बताऊँ कि मैं पूरे ब्लॉग में बुंदेलखंडी में बात क्यों कर रहा था, है ना। तो दरअसल बात यह है कि मतलब बहुत सारे यूट्यूब पर ब्लॉगर हैं जो कि हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, है ना, लेकिन कोई ऐसा नहीं है मतलब जो अपनी रीजनल लैंग्वेज में व्लॉग बनाता हो। तो मैंने सोचा मैं बनाता हूँ, है ना, तो इसीलिए कुछ अलग भी होगा, डिफरेंट होगा, आपको मज़ा भी आएगा। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे भी ऐसी ही वीडियोज़ आती रहेंगी, है ना। और हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।